नहीं यार स्वीटी, मैं सोच रही हूँ कि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है औरतों की समस्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। साक्षी, I 100% agree with you। देखो ना, पहले के जमाने में जब लड़कियां पैदा होती थी तो उनकी शादियां फिक्स हो जाती थी। शादी के अलावा और कोई समस्या है ही नहीं राधिका। जवानी तो जोश में गुजर जाती है, लेकिन बुढ़ापे में जब रंगीन सपने ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं ना, स्टेशन झेलने के लिए किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तेरे में इतनी ताकत है कि तू किसी भी शोक सभा को शादी के मंडप में बदल सकती है। मैं समाज सुधारने की बात करी हूँ और तूने टॉपिक को मैरिज ब्यूरो वालों का एडवर्टाइजिंग कैंपेन बना डाला। समाज बिगड़ा था। अब अपने घर में देख लो, वो छोटी जिसके दूध के दांत अभी टूटे नहीं और आए दिन लोगों को लड़वाकर उनके दांत खट्टे करवाती रहती। लड़की होकर होमगार्ड कैंप में बंदूक सीखने गई है। पुराने जमाने में लड़कियां शादी की बात क्या, सगाई की बात भी नहीं करती थी और ये 2400 घंटे अपनी शादी का राग अलाती रहती। जोशी रियाज कर रहे हैं। पहले के जमाने में लड़कियों को क्या फ्रीडम मिलती हो। एक 5 रुपए का हार लेकर जो उसे पसंद आए उसके गले में वरमाला डाल दे, टेंडर हार में एक टेंडर हार्ट हो जाते थे। तुम लोग को पता है कल रात को मुझे अपने स्वयंवर का सपना आया। सारी बहनों पर हो रहे जुर्म का जवाब ये बेलन से देना चाहती है।
होता है। अच्छा ये नहीं वो। नमस्ते नमस्ते प्रियंका, आपके अलावा सब डिपार्टमेंट में गड़बड़ है गड़बड़ है। चलो तो बाहर गई है। एक और टाइम्स ऑफ इंडिया वाले कभी भी रेसिडेंट एडिटर का पोस्ट ऑफर करने वाले हैं। क्या बात है यार। और दूसरी पे गॉड मदर नाम की फिल्म बननी है। और ये है मेरे दोस्त सिप्पी। ये भी बड़े दिनों से एक फ्रेश सब्जेक्ट ढूंढ रहे फिल्म बनाने के लिए। क्या सारे इंग्लिश मित्रों की हिंदी में कॉपी हो चुकी है? मैं इंग्लिश पर से नहीं मारना चाहता, मैं कुछ यू नो मैं अपनी बात कहना चाहता। इसलिए मैंने कहा मेरे घर चलो, शायद मेरी बेटियां तुम्हें हेल्प कर सके। पहली बार बाहर वालों के सामने बेटियों को बड़ा बनाया है। वो कहना चाहती है कि पैसा भी मिले और अवार्ड भी मिले। पर उसके लिए तो हमें पासवर्ड बनाना पड़ेगा ना डैडी। क्यों? क्योंकि ऐसी फिल्म इंडिया में बन ही नहीं सकती है। ए छोटी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हमारे इंडियंस जो कर सकते हैं वो अमेरिकन्स भी नहीं कर सकते। अरे ऐसा क्या है जो अमेरिका वाले नहीं कर सकते और इंडिया वाले कर सकते हैं? उनसे पूछो वो क्या बीच सड़क थूक सकते हैं। अमेरिका में तो अगर बीच सड़क में थूका तो बहुत भारी फाइन भरना पड़ता है। एग्जैक्टली, कितनी कड़की गवर्नमेंट है, थूकने का भी पैसा लेती है। इंडिया में तो कहीं भी पान खा के पिचकारी मार सकते हैं बिल्कुल। वो सब तो ठीक है, लेकिन अमेरिका वाले बहुत एडवांस है। क्या रहने का स्टाइल है, क्या 200-200 माले की बिल्डिंग है, क्या गाड़ियां है। बंगले और गाड़ियां तो हमारे पास भी है, क्या उनके पास झोपड़पट्टी है? नहीं ना, हम लोग तो गर्व से कह सकते हैं हमारे पास एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है धारावी। गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा उनके पास क्या होगी? मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, क्या उनके पास ऑटो रिक्शा है? नहीं ना, हमारे देश को नीचा दिखाते रहते हैं। चलो सुनो, एक साथ मेरे साथ बोलो, मेरा भारत महान। हमें कमर्शियल आर्ट फिल्म बनानी चाहिए। गई हुआ डैनी क्वीन जैसी, कम से कम लोग फिल्म की गालियाँ सुनने ही आए थिएटर में। फाइन फाइन, पर ऐसा सब्जेक्ट बार बार थोड़ी मिलेगा। अरे बाबा, ढूंढने से तो भगवान भी मिल सकता है। ये सब्जेक्ट क्या चीज है? अरे इससे पहले ये डिसाइड करना है कि प्रोड्यूसर कौन है। प्रोड्यूसर बस वही तो एक मिलना बाकी है। पंडित जी बुला लिया, बारह दिन आ गए। चलो प्रोड्यूसर भी मिल जाएगा। क्यों? महिला मुक्ति वाले मर्दों को गाली देने के लिए फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अपनी काजल का पाला हुआ बकरा है ना, उसी को हराम कर देते हैं। माय गॉड, ये काजल भी ना, उसने बकरा पाला और मुझे पता ही नहीं चला। कहीं तो वो सत्तार भाई पाइनएप्पल वाले की बात तो नहीं कर रही? हाँ वही, देख उसको नाम कमाने का बड़ा शौक है, उसी को बोतल में उतार दे। काजल भाई की बहन की खातिर हमारा जान भी हाजिर है, पर वो अवार्ड फंक्शन के बाद आप लोगों के साथ कोलोब्रेशन करते डर लगता है। फिल्म में एक डायलॉग था जो डर गया समझो। ये डायलॉग फिल्म शोले में था। शोले हो या हम आपके, नाम तो मैंने सुपर हिट फिल्म का लिया है ना। देखिए सत्तार भाई, आपने मकड़ी को जाला भूनते हुए तो देखा ही होगा, वो बार बार चढ़ती है, लेकिन आखिर में अपनी मंजिल पा ही लेती है। सत्तार भाई, आपको तो सिर्फ फिल्म के मुहूर्त तक का फाइनेंस करने का है, बाद में तो फाइनेंसरों की लाइन लग जाएगी। हाँ हाँ, बकरों की कमी है क्या इस दुनिया में? मुझे तो बकरा नहीं बना रहे हैं। सत्तार भाई, हम इतने बेवकूफ थोड़ी ना है जो बैल को बकरा बना दे। सत्तार भाई, प्लीज इस जम्मू की बातों
तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त होगी। मुझे पता है, यही ना कि हीरोइन आपके साथ हर रोज खाने पे जाए। स्टोरी राइटर मेरा होगा। डर डर, वैसे भी हमें नए राइटरों की जरूरत है। पुराने राइटरों ने तो अपने अक्ल का दीवाला निकाल दिया। आपका राइटर कौन है? मेरा साला है और भाई खड़ा मार्केट में केले का बाजार है। क्या ब्राइट फ्यूचर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। पाइनएप्पल वाला फाइनेंस करेगा और केले वाला राइटर करेगा। ये सब के सब सुबह सुबह में गायब कहाँ हो गए? पहला देखने गए। मेरी तनख्वाह में और बम्बई में झोपड़ा नहीं मिल सकता। ये पहली आज फिल्म होगी जो बंगले में शूट होगी। अभी तो कहानी का पता नहीं है और लोकेशन सर्च हो रहा है। कहानी राइटर कब से बन गई? एक पति पत्नी होती, दोनों बड़े सुखी होते। अचानक पत्नी मर जाती है, पति दूसरी शादी करता है। बड़ा दिल लगकर उसे माफ करती है, लेकिन पति देखभाल करता है। आते ही वो पहले पत्नी को भूल जाता है। भड़क उठती है और दूसरे पति के शरीर में घुस जाती है। खबरदार ऐसा किया तो याद रखना मुझसे। अरे मैं तो कहानी सुना रही हूँ। मैं सब समझता हूँ। समझ। दिल वाले दीवार से दिल लगाएंगे। एक मेरा तो चल चल। Glycerin के बगैर।
से भूखी प्यासी थी मंदिर के बाहर बैठकर भगवान से चूहे भेजने की प्रार्थना कर रही थी। मगर बिल्ली की लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी या गुजरात? मदर टंग में प्रार्थना कर रही थी। अंधेरा छाया हुआ है, अचानक बुल्लू मुंह में आकर बोले, टीवी का पेशेंट नॉन स्टॉप खांसे जा रहा है। यमराज को भी जिस माहौल के माहौल में आने से डर लगे, और ऐसे माहौल में एक 16 साल की जवान डामर जैसी काली लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या है। मगर वो लड़की का कॉस्ट्यूम क्या होगा? वही चोली के पीछे गाने में माधुर ने जो पहना था वो। अब लड़की कभी पैर एक बड़े से मकान के पास आती है और बंदर की तरह दीवार बांधकर घर में जाकर जाने, वो 15 साल का जवान बिस्तर में मुंह में अंगूठा डाले, उसका नाम बॉबी बाबा है। बॉबी बाबू पे आ जाता है लेकिन वो अपने आप पर काबू पाती है और जाती है तिजोरी की तरफ। अंदर से सारा मांस निकाल कर वो चुन्नी में बांध कर वहां से दौड़ दो क्या हो गए। दूसरे दिन सुबह बवाल, गांव में बवाल, भाई सरपंच के घर शादी के एक हफ्ते पहले चोरी हो गई। अब पुलिस आती है, फुकट का मुर्गा खाकर पंचनामा कर कर वहां से चली जाती है। बेचारा सरपंच का लड़का फटे पुराने फटीचर कपड़े पहनकर शादी के फेरे लगाता है। लड़की का गरीब बाप दहेज में इतना पैसा देता है कि सरपंच फिर से माला माल हो जाता है। और ये सब देखकर लड़की की सास कहती है, देखा दुल्हन वही जो। ये पंडित भी कमाल का है। कमाल रातों को 2 बजे मोहरत निकालता है क्या? हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मोहरत का बहुत बड़ा महत्व है, समझा को? हे रमेश इतना लाइटिंग को और कितना टाइम है? और देखो घोबरा दिखना नहीं चाहिए, समझे? ऐसी लाइटिंग करना तो चारों तरफ अंधेरा और सबका सारा दिखना चाहिए। तो लाइटिंग करने की क्या जरूरत है? एक पूछ रहा हूँ। ये 8 फिल्म सत्तर भाई वो रोने वाला कुत्ता आया कि नहीं आया? लेना पड़ेगा है। और कुत्ता का काम शुरू करेगा मेरा कुत्ता बर्थडे के दिन रोने का एक्टिंग ठीक है। तो दुखी बिल्ली का क्या हुआ? नहीं, बम्बई की सारी बिल्लियां हैदराबाद आउटडोर शूटिंग में गई है। अब कमाल है, मैं शूटिंग किसके साथ करूंगा? क्यों, मेरा साला और स्वीटी है ना। अच्छा भाई तुम समझते नहीं हो यार, ये 8 फिल्म है, 8 फिल्म हीरो नहीं भी रहे ना चलता है, लेकिन ये जो फालतू चीजें हैं ये बिल्कुल होनी चाहिए, समझे? अच्छा हाँ, तो फिर क्या करेंगे आप? यहाँ कहीं आसे पासे में कोई कचरे का दबा है? पिक्चर शुरू होने के पहले ही कचरे का दबा। आज मुंबई हर मुंबई का मूवमेंट चल रहा है, आज तक तो कचरा उठाने वालों को भी कचरा नहीं मिलता। तो एक काम करो, वो हीरोइन को बुलाओ। क्या नाम है उस पागल लड़की का? बेबी स्वीटी। वैसे यू कैन कॉल मी। अरे क्या कहा करे दियो? अरे दादा यार इससे वो खड़ा करो। तो तुम यहाँ कुछ मत बोलो, जो भी बोलने गए ना जाके मेकअप रूम में बोलना, समझे? थैंक यू। आ जाओ। साला किधर है? दादा साला मेरा है, आपका नहीं। मेरा छोड़ो, साले को बुलाओ, जल्दी करो। अरे साले भाई। यस सर। देखो तुम्हारे को ये अंगूठा चूसने को आता है? तो एक काम करते हैं, पहले एक रिहर्सल लेते हैं और उसके बाद टेक कर लेंगे, ठीक है? तो अंगूठा चूसो। तुम तो बड़ा हीरो बनेगा। वेरी गुड। Oh my God, I didn't have to share my
बनना है ना तो ये ऊंच नीच का ख्याल जो रहता है घर पे घर के यूज कर सकते हैं क्यों उसमें जान नहीं रहती क्या आठ फिल्म में आठ फिल्म इसमें रियल स्टेट जो अपना जो रहता है वो बहुत जरूरी है अरे वो तो हमारे 500 एक रुपया साइनिंग अमाउंट लेने से पहले सोचना चाहिए था ना कहा है क्या हमारे पैसे के आराम के आते हैं क्या प्रोड्यूसर के साले को मारोगी साले को तो क्या बहनोई को भी तुम्हारे नसीब अच्छे हैं कि वो काजल भाई हाजिर नहीं है वरना इस साले में गरम मसाला भर के उसे भून देते पैसा मेरा और मेरे कोई दादा की नहीं नहीं बनानी अपन को ये फिल्म डायरेक्टर मैं तू कैसे बोला जा अरे कैसे बोला मेरे मुंह से बोला जा मुंह से बोला फिर से बोल के बोला पैकअप खाई ये दुनिया की पहली फिल्म होगी जो मुहूर्त के दिन ये डब्बे में चली गई तुम ही सिप्पी के बच्चे को घर ले आए हाँ यार लड़कियों का बाप कभी कभी गलती कर सकता है ना फिर सॉरी बोलो डैडी